इसे एनर्जी बोलते हैं। सर 3 घंटे ऑलमोस्ट 2.5 घंटे से कंटिन्यूस है। मैं भी आप ही लोग की एज ग्रुप का हूँ, थोड़ा सा फर्क होता है। ऐसी बात हंसो बात, बट स्टिल कि इस एनर्जी के सामने हम लोग कुछ भी नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। दूसरा एक जो फील हो रहा है हम लोगों को, सर जब देख रहे थे कितनी डायमेंशन है जहाँ पर सर ने टच किया हुआ है। डायमेंशंस, थिंक ऑफ डायमेंशंस वेयर ही इज टचिंग, ये यहाँ पर भी वहाँ पर भी। और एक चीज और नोटिस की, जैसे अजीत अभी पूछ रहे थे क्वेश्चन आउट में, एग्जिस्टेंस की बात की है, एंड व्हेन ही सेड की है, वो फील आ रही है सामने कि हाँ है, और सर को दिख रही है कि वो सर ने काम किया है उन चीजों के ऊपर। और ज्योमेट्री में फर्स्ट टाइम, सीरियसली बहुत टाइम से मैं प्योरी पढ़ रहा हूँ, बट ज्योमेट्री में जो हम देख रहे थे कि हम हाइपरबोलाइड पे ट्रायंगल, शायद आज पहली बार मुझे वो हवा में वो ऐसा ट्रायंगल विजुलाइज हुआ कि विथ नॉन सम इज नॉट इक्वल टू पाई, दैट ट्रायंगल हुज इंटर एंगल इज नॉट इक्वल टू पाई, शायद फर्स्ट टाइम बैठे बैठे, दैट इज समथिंग विच वी नीड टू थिंक। दूसरा एक छोटा सा एहसास ये हुआ कि हम लोग कितना भी कम जानते हैं और कितना लंबा रास्ता तय करना है। दूसरा सर ने एक चीज और कह दी कि ये जो जितने बड़े बड़े मैथमेटिशियन थे तो कम से कम ये है कि दूसरा, जैसे शिवांशु ने पूछा सर का कंट्रीब्यूशन, सो आई थिंक देयर इज नथिंग टू एक्सप्लेन। और दूसरा कि सर, मैं आपसे सर एक प्रॉमिस चारों इतने बच्चों के सामने, आज मौका मिला है तो मैं मौका नहीं हाथ से जाने देता। सर ये रिक्वेस्ट है कि अगर हम चाहें, अगर यहाँ पर जैसे जो भी दिल्ली आ रहे हैं तो एक लेक्चर रखते रहें यहाँ पर टॉपिक वाइज, जैसे आज हम उम्मीद कर रहे थे बच्चों से कि बच्चे चाहते थे आपसे फील्ड एक्सटेंशन ओपन सो बॉक्स टाइप क्लास बना लिया बच्चों ने, तो अगर मैं उम्मीद करूँ मौका मिला है तो सर सब झूठ नहीं, मतलब मना नहीं करेंगे बच्चे। तो सर ये नहीं, मुझे तो हमेशा इंटरेक्ट करना और अच्छा लगता है, कोई ऐसी बात नहीं है। और एक बात बताऊं कि आपको ये लग रहा है कि बहुत कम जानते हैं, तो एग्जैक्टली द सेम सिचुएशन इज परहैप्स इज विद मी एंड परहैप्स मोस्ट ऑफ द पीपल। तो ये तो यही है कि एक बार जान जाता है आदमी तो उसमें फिर सोचता है ओके नाउ नाउ आई एम हैप्पी, लेकिन जब तक नहीं जानता तब तक। जैसे मैं देख रहा था, मैं कंडीशन में स्टूडेंट ठीक ठाक हूँ, मुझे फोकस करना आता है और इन बिटवीन खो जाना भी आता है। मैं बीच में देख रहा था, इसने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा कि व्हाई ओनली दिस, समटाइम्स इज द क्वेश्चन व्हाई ओनली दिस। सर ने 3 सेंटेंस बोले केवल, लाइन सर्कल इंटरसेक्शन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड नथिंग एल्स। अगर आप इनको कनेक्ट करते हो प्रूफ वहाँ होता दिख रहा था। अब प्रॉब्लम यही कि हम लोग की जो ट्रेनिंग कंडीशनिंग है इतनी फास्ट उन 3 स्टेटमेंट को लेके एक सेंटेंस बना के हैंस प्रूफ लिखना आया कि नहीं आया। सर गैप क्या होता है सर हम लोगों का, जो एज ए स्टूडेंट भी देखूँ मैं, अब तो बहुत अच्छा लगा बहुत समय बाद में यहाँ बैठने को मुझे मिला। हम लोग की बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें जब स्टेटमेंट मिलते हैं ना, मेरे लिए भी ऐसे कहते हैं बच्चे, पीठ पीछे बोलते हैं सुनाई पड़ जाता है कि ये स्टेटमेंट, जैसे मैंने 7-8 स्टेटमेंट एक साथ दिए, ये दिस 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 दिस, तो बच्चे ये कनेक्ट करना, जो अभी हम लोग पी इम्प्लाइज की और बीच में बहुत कुछ होता है, तो यहाँ पी होता है और यहाँ क्यू होता है सर, ये भूल जाते हैं बच्चे। तो जैसे आज मैंने क्वेश्चन किया ना कि क्या हम एलजेब्रा की एक बुक 11th-12th में रखना चाहिए, तो मेरे लिए 2 क्वेश्चन थे, एक तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि एलिजिबल है कि नहीं है, दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ सच बुक्स, क्योंकि हम लोग ये खो देना सर 11th-12th के बच्चे। आर्मस्ट्रांग की एक किताब है ग्रुप्स एंड सिमेट्रीज पे, तो वो शायद बच्चे पढ़ सकते हैं, आर्मस्ट्रांग की किताब, आर्मस्ट्रांग ग्रुप्स एंड सिमेट्रीज करके उसकी टाइटल है। और ये जो पुरानी कुछ किताबें जरूर मिल जाएंगी, जिसमें कि तो लोग एक्चुअली क्या करते थे ना कि जो शुरू में पढ़ते थे, शुरू में जब आया ये तो उनको कहाँ ग्रुप पता था, वो तो ओरिजिनल देते थे, तो राइट स्क्रैच से देते थे ना, रूट्स से ग्रुप को पकड़ा गया, रूट्स ऑफ इक्वेशन। क्या करते हैं कि कोई रूट्स है, ए स्क्वायर रूट लिया आपने, मतलब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया तो उसका डिस्क्रिमिनेंट क्यूबिक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो कोई भी रियल नंबर कोई उसको ले जाएंगे तो एक वाला दूसरे पर जाएगा, प्लस वाला माइनस पे चला जाएगा, माइनस वाला प्लस पे चला जाएगा। यही चीज़ जनरल अगर क्यूबिक में जाए तो इक्वेशंस कई ठो हैं, उसमें परम्यूट करना पड़ेगा, फिर n डिग्री में गैलवा ग्रुप इसी तरीके से बनता चला जाता है, तो उसी को स्टडी करना, यही स्टडी किया है।
वही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि सर वो गैल्वा ग्रुप दिखते हैं सबको, ग्रुप थ्योरी में गैल्वा ग्रुप ये सब दिखता है तो मैं नहीं, वो गैल्वा ग्रुप आपको भी दिखेगा बहुत 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 आज तो हमको बहुत अच्छी तरीके से जितने बनाया उस समय की बात सोचिए, उसने सोचा तो और क्रेडिट गोज नाउ आई अंडरस्टैंड, मैं कहूँगा मैं उसको समझता हूँ, मैं बता दूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर। एक दो मैथमेटिक रेफरेंस दूंगा सर ने आज मुझे एक दो बुक और लिखी, व्हाट इज मैथमेटिक्स बाय कोरेंट एंड रॉबिन्सन, एक ये बुक रिकमेंड की है कोरेंट एंड रॉबिन्सन व्हाट इज मैथमेटिक्स, और एक अभी ग्रुप्स एंड सिमेट्रीज। तो कोशिश करते हैं अच्छी सर, एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं मैं और इसलिए बोलूँ सर, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे इस क्लास में वो बच्चे हैं जो क्वेश्चन आंसर ढूंढते हैं सर, वो एक्सपेक्ट करें इस क्लास में अच्छे रिसर्चर बैठे हैं जो आगे अच्छी रिसर्च करेंगे। तो सर इस मोटिवेशन सर भी आए हुए मैं आपका दो, ये टू फोल्ड, मैं ये मैं इस प्रॉब्लम से बहुत वाकिफ हूँ और मैंने खुद देखा भी है कि ये एक तो ये है कि यू हैव टू बी इन द फील्ड एंड देन कीप योर ओपनिंग ओपन, यू मे बिकम अ मैथमेटिशियन ऑफ सर्टेन लेवल, वो बंद मत कीजिएगा कभी। उसके लिए ये है कि ट्राई टू रीड रियल मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो कि एक तरीके से कोई पढ़ने का कोई बहुत वो नहीं है। कुछ दिनों बाद आपको शायद अगर ठीक से मैथमेटिक्स को कुछ दिनों बाद पढ़ेंगे तो आपको एक इंट्यूशन डेवलप होगा, मैथमेटिक्स का भी एक इंट्यूशन डेवलप होगा कि आखिर हो क्यों रहा है, और वो इंट्यूशन जब जब डेवलप हो जाएगा थोड़ी स्पीड आपकी बढ़ेगी। जैसे इसको मैं कंपेयर करता हूँ जो अक्सर नॉवेल रीडर्स होते हैं, नॉवेल पढ़ा या फिल्म देखा आपको लगा अरे अब तो ये होने वाला है, वो किस लिए आया था, कोई एक इंट्यूशन आपका बन गया। वैसे कुछ मैथमेटिक्स कुछ दूर तक आएंगे अच्छा ये प्रूफ करा, ये प्रूफ छोड़ो हम तो अब प्रूफ तक हम पहुंच गए, दिमाग में एक फ्लैश कर जाएगा कि ये प्रूफ हो गया अब आप आगे बढ़ेंगे, आपको वो तो वो स्टेज धीरे धीरे आएगी और उसको शुरू में नहीं आएगी। उसके लिए वैसे यही है कि जैसे खाना जो है चबा चबा के खाया जाता है, वैसे पढ़ाई बहुत स्लो स्लो बट स्लो हो करके जब तक समझ में नहीं आए तब तक वो आपको परेशान करते रहना चाहिए और आपको आए। सर एक आउट ऑफ बॉक्स क्वेरी है, अभी पिछले एक आध महीने या कुछ अभी रिसेंटली ऐसा कुछ चीज़ है जो आपने लगा कि अभी सीखी मैंने मैथ्स में? हाँ बहुत सीखी, एक चीज़ मैंने सीखी है और वो सडनली मेरे सामने आई थी, और वो आई थी एक बहुत देखिए एक देखिए अक्सर ही तो बहुत सारी चीज़ें आई हैं, अभी तो जो आई वो एक मैथमेटिक्स का एक बहुत बड़ा वो रहा है, नाम आपने सुना होगा मिल्लर कंजक्चर रहा है, तो वो क्यों वो तीन डायरेक्शन से रिलेट करता हुआ आता है, तीन तरफ से रिलेट करके आता है कि एक तो गैल्वा कोहमोलॉजी और एक के थियोरी और एक क्वाड्रेटिक फॉर्म्स, तीन तरफ से आता है। तो इसमें हमने जो देखा कि जो जनरल मिल्लर कंजक्चर को एक जनरलाइज किया था ब्लॉक कोटो कंजक्चर, हमने ये रियलाइज किया कि इसको समझ गया था ये, इसमें कंजक्चर कर दिया, तो समझना ही मेन उसका, समझने के बाद जैसे गैल्वा ने समझ लिया था अबेल को वैसे ये है। एक छोटी छोटी चीज़ें कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक आप कभी पढ़े होंगे प्रोजेक्टिव स्पेस, पढ़ा आपने प्रोजेक्टिव स्पेस होता है ना, प्रोजेक्टिव स्पेस क्या होता है कि स्फीयर लिया आपने, स्फीयर तो जानते हैं आप क्या होता है, स्फीयर होता है टोपोलॉजिकल स्पेस है, टोपोलॉजिकल स्पेस है ना, मेट्रिक स्पेस है, आर एन प्लस वन में एम्बेडेड है, इसके दो पॉइंट्स को एंटीपोडल पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कीजिए, रिलेशन डिफाइन कर दीजिए, ठीक है। तो जब दो पॉइंट को आइडेंटिफाई करेंगे तो एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा, इसी को प्रोजेक्टिव स्पेस कहा जाता है, रियल प्रोजेक्टिव स्पेस कहा जाता है, समझ रही क्या बनेगा, इसको आप विजुलाइज करके देखें या देख नहीं पाएंगे, जल्दी इम्बेड करना इसको मुश्किल होगा। इस जेट्टू के एक्शन को मिल्लर ने देखा कि इसमें हो क्या रहा है, देखा कि ये जेट्टू बेसिकली ये ग्रुप जेट्टू ऐड कर रहा है, उसने कहा कि जेट्टू नहीं एस वन का एक्शन पेरिफेरी पर जब एक्ट करना शुरू करेगा तो क्या होगा, द होल लॉट ऑफ थियोरी ये गेव मिल्लर जो दिया, तो एक मिल्लर ईजी बीजी कंस्ट्रक्शन जो मैथमेटिक्स में रिवॉल्यूशन ला दिया 1960 में किया था, वो मैंने पढ़ा ईजी बीजी कंस्ट्रक्शन, जानते थे पढ़ते गए हमको कुछ बहुत खास समझ में नहीं आया, वो सोचा कि हाँ कुछ किया है, डेफिनेशन दे दिया कुछ करता चला गया, डेफिनेशन दे दिया कुछ, लेकिन जब उसका ओरिजिनल वर्क देखा तो हमें साफ दिखाई दे रही, तो प्रोजेक्टिव स्पेस को इसने देख लिया, कहा क्यों नहीं हम यहाँ भी कर सकते हैं, और वो उसने किया था।
तो दिस इज हाउ द थिंग सिमिलरली यहाँ पे ब्लॉक का टोकन दिखे आई रियलाइज तो ऐसे ये तो अभी बहुत हुआ है तो हर जगह पर अक्सर ही आपको मिलेगा ऐसा नहीं बहुत स्टेज ऐसी आई है कि हमको लगा कि हम यही समझ पाए थे क्यों ऐसा हुआ क्यों ऐसा हुआ लेकिन जब समझ में आ गया तो मज़ा आ गया इसको नहीं ऐसा कुछ नहीं है ऐसा कुछ नहीं है ये चीज़ें हैं जो कि देखने से ही आती हैं अब ठीक है हमने तो थोड़ा सा पढ़ा भी है ऐसी बात नहीं है कि आई स्पेंड सम टाइम लेकिन हम बहुत ज़्यादा नहीं वो कर पाए आई शुड हैव डन मच मोर बट आई डिडन्ट आई डिडन्ट डू दैट एनीवे थैंक यू वेरी मच थैंक यू ऑल प्लेजर फॉर मी टू आंसर यू क्वेश्चन हम नहीं जानते कि मैंने